हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के साथ होली स्पेशल स्वीट रेसिपी, मीठे समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। बाहर से कुरकुरे और अंदर से रसीले और मीठे खोए और ड्राई फ्रूट से भरे हुए ये मीठे समोसे की रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, इसमें खोए की अंदर तक कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है, बाहर से ये बिल्कुल क्रिस्प हैं, ये देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए एक बोल मैदे में 1.5 से 2 टेबल स्पून शुद्ध घी ऐड करेंगे। इसे उंगलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, घी को चेक करना हो तो आप इसे मुट्ठी में लेके देखिए। अगर इसे मुट्ठी में लेने से ये थोड़ा सा बाइंड हो रहा है, मीन्स मोयन परफेक्ट है। इसके बाद इसमें पानी डालकर इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए एक मिक्सिंग बोल में एक बोल खोआ डालेंगे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 1 टेबल स्पून शक्कर, 1 इलायची या इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मीठे समोसे के लिए स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए आइए समोसे बनाते हैं। समोसे बनाने के लिए आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। इसमें नींबू के साइज के या थोड़े से उससे बड़े लोइया तोड़ लेंगे। इसे ओवल शेप में बेल लेंगे। समोसे के लिए गोल नहीं बेलना है, इसे थोड़ा सा ओवल शेप में बेलना है। जब ये ओवल शेप में बेला जाएगा तो इसे चाकू से 2 हाफ में कट करेंगे इस तरह से। इसके एक हाफ पे, एक साइड पे जो सीधा वाला साइड है उस पे पानी लगाएंगे और इसके दोनों कॉर्नर को इस तरह से जॉइंट करके सील कर लेंगे। इसे अच्छे से पानी लगा के सील करेंगे, वरना ये तलते समय खुल सकते हैं। इसमें खोए की स्टफिंग को भरेंगे। खोए की स्टफिंग को ज़्यादा नहीं भरना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ऊपर से भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसे फोल्ड करने के लिए इसके एक साइड को प्रेस करेंगे और इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। इसे किसी सरफेस पर रखकर इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये इसे इस तरह से खड़ा करेंगे। समोसा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसी तरह से सारे समोसों को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सभी समोसे बनकर तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसकी चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। इसकी चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1.25 कप शक्कर, 1 कप पानी, 1 इलायची या इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके उबलने देंगे। समोसों को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है। अगर आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो बाहर से तो क्रिस्प हो जाएंगे पर अंदर से नहीं पक पाएंगे। मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है। इसी तरह से सारे समोसों को तल लेंगे। ये देखिए, समोसे तेल में डालने पर बिल्कुल भी ना ही फटे हैं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प हुए हैं। चाशनी को चेक करते हैं। एक तार की चाशनी बन चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके कि थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारे समोसे भी तल कर बिल्कुल रेडी हैं, बाहर से क्रिस्प, अंदर से बिल्कुल स्टफिंग से भरे हुए। चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। हल्की सी गर्म चाशनी में समोसों को डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक यूं ही रहने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद समोसों को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से सारे समोसों को चाशनी में डुबो के बाहर निकाल देंगे। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सर्व करेंगे। तो इस होली आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।